एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी नींबू पानी पी रही हूँ। सुबह का टाइम हो रहा, सुबह 8 बज रही है अभी। और अभी नींबू पानी पियेंगे, फिर ओट्स बनाना है, नमकीन ओट्स बनाऊँगी मैं, फिर उसके साथ चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद फिर खाना बाद में बनेगा, क्योंकि अभी नाश्ता करके फिर अपने काम पे थोड़ा बहुत काम है वो निपटा के फिर खाना बना के खाना खाएंगे। मेरी चाय बन रही थी, इतने मैंने सोचा कि सब्जी भी बना ही देती हूँ तो ये काम भी निपट जाएगा। उसके बाद वो दूसरा काम करना है वो करेंगे, तब खाना बनाएंगे, मतलब रोटी बनानी रहेगी। और मैंने पवन के लिए दूध बना के दे दिया उनको, और ये मेरे लिए चाय बन रही है। इतने भिंडी की सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि भिंडी की सब्जी थोड़ी जल्दी बन जाती है। ये देखो हमारी भिंडी की सब्जी बन गई है, कुछ हरी मिर्चें भी डाली है मैंने, क्योंकि खाने में अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि बाद में डालो, थोड़ी हरी मिर्ची थोड़ी पक जाती है तो अच्छी लगती है। इसे खाओ, इससे अच्छा इसमें डालो तो अच्छा लगता है। मैं आ गई इस वाले रूम में, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। और ये देखो पवन क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? I have to make a lot of phone calls and follow up a lot. So stay tuned and watch the video. Hey guys, ये सारा सामान आज जमाऊंगी मैं, और ये इसमें थोड़ा बहुत ये इनका भी है और मेरा भी है, तो दोनों जमाने हैं। और अभी इसमें इसकी सफाई करेंगे, इसकी सफाई करने के बाद उसमें कॉफिया वगैरह है ना, तो इसमें रखेंगे कुछ कॉफी वगैरह, किताब वगैरह है तो इसमें रखेंगे अभी। तो इसकी पहले मैं सफाई कर दूँ, क्योंकि ये पहले का है ना तो गंदा हो रहा है यहाँ, तो पहले इनकी सफाई करके फिर इसको रखेंगे। सारा सामान मैं इसमें रखने वाली हूँ, इस अलमारी में, क्योंकि यहाँ जगह कम है, क्योंकि इधर भी अलमारी पड़ी है और इधर भी पड़ी है तो थोड़ी जगह कम है, तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। इन दोनों अलमारी को अभी हटाना है, ये हट जाएगी तो बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी। और इसमें मैं ये सारे सारे वगैरह सामान रख रही हूँ। गाइस, ये हमारा छाता है वीडियो बनाने के लिए, बट ये खुल नहीं रहा है। ये इसको खोलने की एक ट्रिक है जो मैं बता देता हूँ, इससे नहीं खुलेगा। इसका पहले इसे बंद किया जाता है। दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, मेरा नाम ही काफी है। इसको क्या करना है, धीरे से खोलना पड़ता है। ये क्या बहुत गर्म हो के टूट गया है, थोड़ा सा इसमें निकल गया है। ये एक्चुअली डिफ्यूजर है, ये एग्जैक्टली छाता नहीं है। अगर शार्प लाइट पड़ती है ना तो वीडियो अच्छा नहीं आता है। तो जब लाइट इसके थ्रू पास होगी तो लाइट डाइवर्स हो जाएगी ऑल द डायरेक्शन में, तो जो आपको कभी भी लगता है ना एक शार्प डायरेक्शन में अच्छा नहीं आता, तो इसमें स्मूथ लाइट पड़ेगी अपने ऊपर तो अच्छा वीडियो आएगा। वैसे मैडम तो लाइट का यूज करती नहीं है, फिर भी मैं इनको गिफ्ट कर देता हूँ। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या नाम है आपका चैनल के, बता दो सबको। आज तक इसको मेरे चैनल का नाम नहीं पता था, आप जान के क्या कर लेंगे? मैंने तो सब्सक्राइबर
क्या कौन सा सीन था इसके मेरे वाला वो पंडित आ रहा कौन सा होगा तो ऐसा होता है भाई ठीक है आपको कांच में नजर आ रहा है ना बंदा वो मेन मैं आ गई फिर से अपने किचन में और अब खाना लंच बनाने की तैयारी क्योंकि 1 बज गई है और भूख भी लगने लग गई है तो खाना बनाएंगे खाना खाएंगे। ये लग गया हमारा खाना और भिंडी की सब्जी है दही है थोड़ा सा मिक्सचर है और रोटी है। सिंपल खाना है लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हेवी खाना थोड़ा भारी भारी सर होता है क्योंकि अभी हमें काम भी करना है सोना नहीं है इसलिए हमने सिंपल खाना ही बनाया है। और दही तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खाती हूँ क्योंकि मैं पहले रायता बनाने की सोच रही थी फिर मैंने सोचा कि ऐसे दही क्योंकि पवन ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा दही तो फिर मैंने मेरे लिए दही भी रखा। और अब खाना खाएंगे आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए। हे गाइस मैं बना रही अभी चाय पियेंगे और चाय का आनंद लेंगे। किस किस को चाय पसंद है कमेंट करके बताना। अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।